Miyim sen? Oturmuyorum sen? Oturmuyorum sen? Tüm? Sıra mıyım sen? Tüm kâk ediyorsun hemare bedroom mi? Ham? Miyim sen? Ham yedir pulla gani ki bastı ya miyim sen? Rus subi ham yedir pulla gani ki liyat ay. Ye de go. ठीक है, लेकिन आगे के लिए याद रखो, हम जब सोकर उठ जाए करेगा तो फूल लगाने आया करो, और वो भी दरवाजा खटखटा के, समझे? समझ गया मैं सब। तुम खत लिख ले तो हम गाया करें, तुम सोके उठ जाए तो हम फूल लगाया करें, और वो भी दरवाजा खटखटा के। ठीक है मीम साहब? अच्छा मीम साहब, मीम साहब, तुमको हमारा भाई का गाना पसंद नहीं आया? अच्छा गाता है तुम्हारा भाई। तो फिर तुम उसको बख्शीश क्यों नहीं दिया? बख्शीश? हाँ मीम साहब, इधर का रवाज है, किसी का कोई बात पसंद आ जाए उसको बख्शीश देते हैं। अच्छा, तुम हमारी स्टेला को चाय लाने के लिए बोलो, हम तुम्हारे भाई को बख्शीश देंगे। अच्छा मीम साहब। अब क्या है? राजा जी, मीम साहब ये खत पोस्ट कर दो। अच्छा मीम साहब। और सुनो, क्या मंगवाना मीम साहब? बख्शीश, तुम अच्छा गाते हो इसलिए लो, लो ना। सलाम मीम साहब। पड़ोसियों को हेलो करने के लिए जाता? शराब, पड़ोसी को हम हेलो करने के लिए जाता। तो हम किधर जाता? तुम अंदर जाकर पेपर पढ़ता। नहीं बॉस, हम तुम्हारा साथ जाएगा। तुम अगर हमारा साथ जाएगा तो तुम जानता है हम क्या करेगा? क्या करेगा? तुम्हारा बाप को, तुम्हारा माँ को, तुम्हारा बहन को, तुम्हारा भाई को, और तुमको सबको नौकरी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, आप हमको नौकरी से निकाल दो, हमारा खानदान को नौकरी से निकाल दो, लेकिन याद रखो तुम्हारा राज हम सबको। सोच लो झुनझुन। देखो तुम हमारा सेक्रेटरी है ना, लेकिन हम तुमको दोस्त की तरह रखते हैं। देखो हम तुमको लेकर जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। एक शर्त नहीं, हजार शर्त। देखो झुनझुन, तुम अपने हैसियत के मुताबिक आया को हेलो करो, और हम मेम साहब हेलो करेगा। एग्री, वेरी गुड। ये फ्लावर लेके जाएगा। लेकिन दिस इज माय फॉल्ट। ए यो बाय अनदर। लेकिन बॉस, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे दे दो। मुनी, क्या मालूम किधर गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें किसको मिलने को मांगता? हम आपसे मिलने आया है, और हमारा सेक्रेटरी तुम्हारा आया से मिलने आया है। आया? पर हमारे तो कोई आया नहीं, हम आया है। तुम आया है? यस। तो हमारा सेक्रेटरी तुमसे मिलने आया है, और हम तुम्हारा मेन साहब से मिलने आया है। यंग लेडी, इधर देखो, हम भी तो मैन है। हम देखा तुम कहीं खुल जाया। हम आपको हेलो करने के वास्ते आया। हेलो हेलो हेलो। मैं आपका पड़ोसी हूँ, और भगवान के इस बात पर यकीन रखता हूँ। भगवान ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करो। लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? जी, भगवान से इजहार मोहब्बत करने, यानी आपसे। ओह शट अप। आपने जो कुछ भी कहा हमने कुछ नहीं सुना। आई मीन टू से यू गेट आउट। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कहती हूँ चले जाइए। अच्छी बात है, घर से निकालना आसान है, देखेंगे आप दिल से कैसे निकाल। गेट आउट। ए भाई, किधर जाता है?
हमारी पर जाता है। क्यों? आज इधर गाना नहीं गाएगा? नहीं मुन्नी, अब हम इधर गाना कभी नहीं गाएगा। क्यों? मेम साहब से डर गया क्या? डरने का बात नहीं है मुन्नी, हम इधर गाना गाता तो मेम साहब सुनता, मेम साहब सुनता तो मेम साहब को पसंद आता, मेम साहब को पसंद आता तो हमको बख्शीश देता, हमको बख्शीश देता तो हमारा दिल जलता। अरे वारे भाई, इधर किसी को 8 आना बख्शीश मिले उस बात से शाम तक सलाम करता, और मेम साहब तुमको 10 रुपया दिया तो तुम्हारा दिल जलता है। हाँ जलता है, हमारा दिल जलता है, तुम्हारा दिल थोड़ी जलता है, हमारा दिल जलता है, चलता है, चलते चलता है, चलता है। पागल कहीं का। हम इधर रोज फूल लगाने को आएगा हमारे भाई ने। क्यों? वो तुमसे डरता है मेम साहब। इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा भाई हमसे डरता है? भला क्यों? वो उसको मालूम, हमको नहीं मालूम। अच्छा उसे भेज दो। अच्छा मेम साहब। सलाम मेम साहब। ए भाई। क्या है? तुमको मेम साहब बुलाता है। मेम साहब हमको क्यों बुलाता है? ये हमको नहीं मालूम, वो उसको मालूम। मेम साहब गुस्से में था? गुस्से का नहीं मालूम, नींद में था। हम जाए? जाओ। जाए? जाओ ना। जाओ बाबा, तुम तो पागल हो गया है। अच्छा जाता है। सलाम मेम साहब। सलाम। तुमने हमको बुलाया मेम साहब? तुम आज फूल लगाने क्यों नहीं आए? वैसे तो तुम हमसे डरते हो? नहीं मेम साहब, भगवान के सिवा हम किसी से नहीं डरता है। मुन्नी तो कहती थी कि तुम हमसे डरते हो। तुम भी तो भगवान का रूप है ना मेम साहब। क्या मेम साहब? वो हम सब में भगवान है मेम साहब। तुम बहुत बातें करते हो, ये खत पोस्ट कराओ। मेम साहब हम एक बात पूछे। क्या है? तुम रोज रोज ये खत किसको लिखता है मेम साहब? अपने घर वालों को, दोस्तों को। क्यों? तो वैसे ही हम सोचता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन होगा मेम साहब? हमारे घर में हमारी मम्मी है, डैडी है, छोटा भाई है। मेम साहब अब हम असली बात पूछे। मिर्ची बाबा चाय। असली बात अब भी बाकी है? हाँ मेम साहब, तुम उनको क्या क्या लिखता मेम साहब? खत में क्या लिखते हैं तुम्हें मालूम नहीं? हम तो जल का मछली है मेम साहब, इधर ही पैदा होता है और इधर ही मर जाता है। और फिर मेम साहब हम किसको लिखेगा और कैसे लिखेगा? तुमको तो मालूम है कि हम पढ़ा लिखा नहीं। कल को तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी बीवी तुमसे दूर चली जाए तो तुम उसे चिट्ठी नहीं लिखोगे? मेम साहब हम शादी करेगा तो हम अपना बीवी को अपने पास रखेगा, दूर नहीं भेजेगा। तुम पागल। हाँ मेम साहब, हमसे पहले हमारा बाप भी पागल था। क्या? हाँ मेम साहब, हमारा बाप पढ़ा लिखा आदमी था, दफ्तर में नौकरी भी करता था। इधर घूमने के वास्ते आया, हमारा माँ से इश्क हो गया, नौकरी छोड़ दिया, हमारा माँ से शादी बना दिया। हम बाद में पैदा हुआ, उसके बाद हमारा एक छोटा बहन भी पैदा हुआ था। मेम साहब वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। एक रोज वो लोग मछली पकड़ने को गया, बहुत दूर गया। वो रोज तूफान आ गया और वो दोनों तूफान में बह गया मेम साहब। लेकिन मेम साहब सचमुच वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। जब
जब उनका लाश मिला तब भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था मेम साहब। हम भी यही ख्वाब देखता है मेम साहब कि जब हम मरेगा तब भी हम दोनों का हाथ हाथ में होगा मेम साहब। हम दोनों कौन? अमर हमारा बीवी मेम साहब। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं मेम साहब, हम भी कहाँ रहे। अच्छा जाओ, खत पोस्ट कराओ। अच्छा मेम साहब, हमारा गुस्ताखी माफ करना मेम साहब।